हेलो एंड वेलकम टू कॉस्मेटिक Academy. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द vanishing क्रीम सो so let's स्टार्ट with इट्स डेफिनेशन What इज़ द vanishing क्रीम इट्स अ टाइप ऑफ अ क्रीम which स्प्रेड easily एंड सीम्स टू बी disappear rapidly when rubbed ऑन स्किन मतलब क्या है ये क्रीम है जो इजीली स्प्रेड होगा कहाँ पे स्किन पे और ये डिसअपियर हो जाएगा जल्दी से जब हम स्किन पे उसे रब करेंगे या फिर स्प्रेड करेंगे तब ये डिसअपेयर हो जाएगा इसीलिए हम इसे वैनिशिंग क्रीम कहेंगे वैनिशिंग मतलब जो डिसअपियर हो जाता है वैनिश हो जाता है आफ्टर दी अप्लीकेशन दिस वैनिशिंग क्रीम इज़ कम्पोज ऑफ द इमोलियंट डिस्टर्ब तो ये इमोलियंट स्टर्ब क्या करेगी एक अपेरेंट फिल्म फॉर्म कर देता है स्किन के ऊपर अपेरेंट का मतलब क्या होता है ट्रू और रियल मतलब एक ऐसी फिल्म फॉर्म होंगी स्किन के ऊपर जो रियल लगेगी हमें ठीक है वैनिशिंग क्रीम के फॉर्मूलेशन में हम लो परसेंट ऑफ ऑयल फेस यूज करेंगे क्यों यूज करेंगे क्योंकि हमें एक अपेरेंट फिल्म फॉर्म करनी है स्किन के ऊपर ठीक है कभी ज्यादा ऑयल फेस लेंगे तो वो थोड़ी सी ग्रीसी हो जाएगी अब वेनिशिंग क्रीम के फॉर्मुलेशन में एक चीज़ कॉमन रहने वाली है कि इसके अंदर स्टेरिक एसिड यूज होगा और स्टेरिक एसिड ये क्रीम को जो है वाइटिश अपीरियंस देता है जिसे हम स्नो लाइक अपीरियंस भी कहते हैं ठीक है तो अब इसका फॉमोलेसेशन देखते हैं यहाँ पर फॉमोलेशन में स्टेरिक एसिड के ओ एच ग्लिसन वाटर परफ्यूम एंड प्रिजर्वेटिव स्टेरिक एसिड एंड केओज जो है इमल्शन फॉर्म करेगा ग्लिसरीन ह्यूमटन है वाटर देन परफ्यूम एंड देन प्रिजर्वेटिव ये क्रीम जो है ये जो फॉर्मोलेशन है ये हमें ड्राइनेस और ट्रैक की रेस्यूडियल फीम प्रोवाइड uh, कर सकता है ठीक है ये इसका ड्रॉबैक है अब यहाँ पे देखते हैं जो स्टेरिक एसिड हमारा इमल्शन फॉर्म करने वाला है तो ये स्टेरिक एसिड ट्रिपल प्रेस्ड होना चाहिए और फॉर्मुलेशन में इसकी क्वांटिटी सिक्सटीन टू ट्वेंटी परसेंट होनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है अलकली अलकली हम यहाँ पे देखें कि के ओ एच यूज़ करें जिससे स्टेरिक एसिड के साथ ये कंबाइन करके इमल्शन फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे अलकली दो टाइप की हो सकती है द फर्स्ट वन इज के ओ एच एंड द सेकेंड वन इज़ एन ओ एच कभी हम स्टेरिक एसिड के साथ के ओ एच को पेयरअप करेंगे तो ये हमें सॉफ्ट इमल्शन देगा एंड इन केस कभी हम एनओ एच अप कर रहे हैं स्टेरिक एसिड के साथ तो वो हमें हार्ड इमलशन प्रोवाइड करेगा ठीक है और इसी के साथ इन केस हम कभी बोरेक्स यूज़ कर रहे हैं हमारे फॉर्मोलेशन में तो बोरेक्स जो है व्हाइटिस्ट टेक्चर देगा ठीक है अब इसी से सिमिलर एक पोमोलेशन है पॉमोलेशन सेकंड जिसमें आप देख सकते हो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टी ई ए दैर इज ट्राइथनलॉमाइन तो ये क्या करेगा पॉमोलेशन में बफरिंग एक्शन करता है कभी पीएच ज़्यादा है तो इसे नॉर्मल पीएच पे लेकर आएगा और कभी कम है तभी भी नॉर्मल पी एच पर लेकर आएगा ठीक है ये भी एक टाइप ऑफ अल्कली है और यहाँ पर हम आई यूज़ कर रहे हैं जो एक इमोलियंट है ठीक है लास्ट वीडियोज में भी हमने देखे अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट हम फॉर्मुले को मॉडिफाई करते रहते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलेशन में हमें नो ड्राइंग इफेक्ट मिलेगी फार्मूला फोर्थ में स्पेशली हम वो कंसर्न के बारे में डिस्कस करेंगे जब स्किन ड्राई होगी या फिर फ्लेकी होगी तो तब हम लेनोडिन और इट्स डेरिवेटिव यूज करने वाले हैं ठीक है नाउ द फार्मूला फिफ्थ ये है फाउंडेशन क्रीम के लिए मीन्स अभी हम कलर कॉस्मेटिक्स में आ गए हैं वैनिशिंग क्रीम का बेस कलर कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन से इंग्रेडिएंट हम जनरली यूज करने वाले हैं टी आई ओ टू केवलिन बेंडोनाइट एंड पिगमेंट्स टीआईओ टू क्या करेगा यहाँ पे बेस प्रोवाइड करेगा एज अ ओपेसिफायर जो हमारे पिगमेंट्स को अच्छी तरीके से उभार के बतवाए बताएगा ठीक है सिमिलर फंक्शन है केवलिन और बेंडोनाइट के भी नेक्स्ट फॉर्मूले में एक वर्ड है दैट इज द पोरोन तो ये क्या होता है ये एक ऐसा मटेरियल रहता है जो पोरोसिटी प्रोवाइड करता है कोई भी फिल्म बिल्डिंग मटेरियल को ठीक है दिस पोरोटॉन इज आइडियल फॉर लिक्विड मेकअप ये आइडियल क्यों रहने वाला है क्योंकि इंटरफेयर नहीं करते हैं इनसेबल रेस्पिरेशन में ठीक है पर रेस्परेशन किसका हो रहा है यहाँ पे हो रहा है स्किन का एज वी ऑल नो स्किन ऑल्सो डो रेस्परेशन पोरोसिटॉन क्या करने वाला है जो भी एक्सचेंज होने वाला है स्किन एंड एन्वायरमेंट के बीच में इससे ईजिली एक्सचेंज हो पाएगा ठीक है यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा मेन रोल है बिकॉज आप लोगों ने सुना होगा कि मेकअप की वजह से बहुत सारों की स्किन डल ड्राई हो जाती है एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि उसमें पोरोसिटॉन की क्वांटिटी या फिर पोरोसिटॉन की क्वालिटी अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं रहती है ठीक है अब नेक्स्ट फार्मूला है जिसमें हम नॉन एक्वस फॉर्मूलेशन यूज़ करने वाले मीन्स जिसमें वाटर का यूज़ नहीं होगा ठीक है नॉन एक्वल फॉमूलेशन ये हैवी मेकअप में यूज़ किया जाता है लाइक क्रीम और द केक फाउंडेशन ठीक है और इसके बाद है स्टिक जो स्टिक होती है फाउंडेशन स्टिक होती है ये इसका फॉर्मोलेशन है जिसके अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट वैक्सेस यूज़ की जाती है ताकि हम वो स्टिक को सस्टेन रख पाए सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वनिशिंग क्रीम इफ यू लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग Bye-bye.